आज हम सीटेट यूपीटेट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 15 घात 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। 15 घात 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 45, दूसरा ऑप्शन है 35, तीसरा ऑप्शन है 50, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसको लगाने का तरीका है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या अगर ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम पहला स्टेप है कि 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 होगा। और क्या करते हैं कि इसको काउंट करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कितना है। तो 1, 2, तो जितना अभाज्य गुणनखंड होगा उसका उसके घातांक में गुणा कर देंगे। इसका घातांक क्या है, 25 है। अब 25 में 2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। इसको एक बार समझ लीजिए। अगर पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसका कार्यविधि है, वर्किंग प्रोसीजर है कि सर्वप्रथम कोई भी संख्या होगी पहले उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसको काउंट करेंगे, उसको गिनेंगे कितना हो रहा है, फिर उसका घातांक जो रहेगा उसका आप जो जितना अभाज्य गुणनखंड है उसका गुणा कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक एलिवेटर किसी खदान में 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है। यदि एलिवेटर जमीन के स्तर से 10 मीटर की ऊंचाई से उतरता है तो उतरने में लगा समय है। एलिवेटर जो है कह रहा है कि जमीन के स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है। जमीन स्तर से 10 मीटर की ऊंचाई से क्या हो रहा है, उतर रहा है, और क्या है, किसी खदान में। तो खदान में नीचे जाएगा और यही दूरी क्या कह रहा है कि जो है कि 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है। यदि एलिवेटर जमीन के स्तर से 10 मीटर की ऊंचाई से उतरता है तो उतरने में लगा समय है। तो 10 मीटर की ऊंचाई से उतर रहा है तो 350 मीटर उतरने में लगा समय। यहाँ की दूरी दे दिया है 350 मीटर, 350 मीटर। तो कुल ऐड करेंगे तो कुल चली गई दूरी क्या हो जाएगी, डी बराबर एलिवेटर द्वारा कुल चली गई दूरी, तो 10 मीटर और 350 मीटर, इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 360। और इसका चाल दे दिया है 6 मीटर प्रति मिनट, 6 मीटर प्रति मिनट दे दिया है। तो कह रहा है कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है आपका, 360 मीटर है, 360 मीटर। तो 360 बटा और इसका चाल कितना है, 6, इसे कैंसिल करेंगे क्या आएगा, 60 मिनट। कुल एलिवेटर द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा, 60 मिनट। यही 60 मिनट किसके बराबर है, 1 घंटा के। 60 मिनट जो है 1 घंटा के बराबर है। तो देख रहे हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 18 घात 17 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया गया है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है।